हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आपके YouTube चैनल स्टडी 91 एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए आए हो तो आपको चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, तो जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। 25 में दे रखे हैं, एक छावनी में 3300 व्यक्ति के लिए 850 किलोग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 32 दिन का भोजन है। देखो, 3300 कितने किलोग्राम है? 850। आगे बोला गया है कितने दिन की? 32 दिन की बात हुई, लेकिन सवाल में आगे बोला गया कि 7 दिन बाद कुछ व्यक्ति और आ गई, मतलब 7 दिन के बाद अगर जो कुछ आ गए होंगे तो अगर जो शेष भोजन की बात करेंगे तो हमारे पास दिन कितने? 32 में से जो 7 को घटा दिया जाए तो दिन कितने बचेंगे? ओनली 25, यानी 25 बचे, 25 बचे। और आगे आपसे कहा गया है कि 3300 में और कुछ और व्यक्ति आ गई, मतलब 3300 इतने व्यक्ति, इसमें कुछ व्यक्ति और आ गई, मान लो प्लस एक्स व्यक्ति और आ गई, तो ये कितने दिन की बात हो रही? 17 दिन की। और सामग्री दे रखी है 825 इधर, तो इसे सॉल्व करेंगे और फाइनली आपका आंसर। देखो पहले काट दें, 17 अपना 85 जीरो आ गया, 25 से डिवाइड देते हैं। देखो 25 दिया कितने होते हैं? 75। अगर इसमें से 75 घटाएंगे, देखो 12 में तो 7 गए तो कितने बचेंगे? 12 में तो 5 गए, 7 तो 75 हो गए, 25 दिया कितने हो जाएंगे? 75, यानी 3 बार फिर डिवाइड हो जाएगा। और 33 से 33 कैंसिल, अगर जो 50 का मल्टीप्लाई 100 यहां पर बचेगी तो कितने हो जाएंगे? 5000। और 5000 में से 3000 जाएगी तो फाइनली आंसर आपका कितना बचेगा? नहीं, 5000 में से 3300 जाएगी तो बचेंगे तुम्हारे पास 0 0। 10 में से 3 गई 7, और 4 में से 3 गई तो कितने बचे? 1। यही आपको निकालना था बच्चों, आप कर सकते हो। आपको लग रहा होगा शायद बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन आप इसके नीचे वैल्यू रखेंगे तो आपको शॉर्टी क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है? तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 6 समान मशीनें एक निश्चित चाल से, और 6 समान मशीनें, मतलब 6 मशीनें होंगी एक तारी। क्वेश्चन नंबर 26, 6 समान मशीनें एक निश्चित चाल, मतलब 4 मान लिया एक है, एक निश्चित चाल, निश्चित चाल से 1 मिनट में, 1 मिनट में देखो कितना दे रखा है? 270 बोतलें बनाती है, यानी 270 बोतलें बनाती है। आगे बोला है आपसे, तो इसी चाल से, मतलब चाल भी मान लिया उसी, इसी चाल एक मानी थी, एक चाल होगी, इसी चाल से 10 मशीनें, मतलब अब मशीनें कितनी दे रखी हैं? 10 मशीनें, 10 मशीनें और 24, 10 मशीनें 4 मिनट में कितनी बोतलें बनाएंगी? तो एक्स बोतलें बनाएंगी, तो इसे सॉल्व कर लेंगे, यहां से 6 से काट देंगे, 6 4 24 कितने बचे? 3, 6 5 30, तो एक्स इधर आ जाएगा तुम्हारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे तुम्हारे पास एक्स बराबर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 450 इंटू 4 जीरो, 5 4 20 की जीरो, आंसर लगी 2, और 4 4 16, 16 2 कितने हो गए? 18। 1800 बोतलों की क्या पड़ेगी और आवश्यकता होगी? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दे रखा है, किसी छावनी में 200 व्यक्तियों के लिए भोजन सामग्री 30 दिन के लिए थी, मतलब 200 व्यक्तियों के लिए भोजन सामग्री कितने दिन की दे रखी है? 30 दिन के लिए दे रखी। आगे बोला 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ जाते हैं, और आ जाने से वह सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त पर्याप्त होगी? तो देखो क्वेश्चन नंबर 27 में ये कहा गया 200 व्यक्तियों के लिए, 200 व्यक्ति हो गए, आगे जब 30 दिन के लिए थी, लेकिन 10 दिन बाद, मतलब 30 दिन के लिए तो थी लेकिन 10 दिन बाद कुछ और आ गए, तो 10 दिन आपके मतलब कम हो गए, इसमें से दिन कितने बचे?
20। तो जब 20 दिन बचे तो 50 व्यक्ति और शामिल पहले दो कितने व्यक्ति 200, 200 50 को जोड़ देंगे कितने हो गए 250 हो जाएंगे इंटू एक्स कितने दिन के लिए एक्स दिन के लिए पर्याप्त होगी तो एक्स से यहां पर रख लेंगे तो जीरो से जीरो और 25 अट्टे कितने होते हैं 200 आठ दूनी 16 फाइनली जो आंसर आ जाएगा 16 दिन के लिए। तो करते हैं नेक्स्ट। अगर देखो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हमको भी फायदा होगा और आपको भी आने वाली वीडियो टाइम पे आती रहेगी। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर आगे वाले में दे रखा है 15 गाय नौ दिनों में 2700 किलोग्राम अनाज खाती है। देखो 15 गाय क्वेश्चन नंबर दे रखा है 28 15 गाय नौ दिनों में कितना अनाज खाती है 2700। आगे आपसे बोला गया है 18 गाय 30 दिन में कितने किलोग्राम अनाज खानी मतलब एक्स मान लिया यहाँ पे एक्स किलोग्राम अनाज खाएंगे तो देख करते हैं 9 दिया कितने होते 27 300 हो गए 15 दूनी 30 20 आ गए देखो 18 दूनी 36 18 के कितने होते 54 और इंटू 20 मल्टीप्लाई कर देंगे 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 1010 फाइनली आंसर आ जाएगा 15 30 20 बचे थे हाँ ये वाले बिंदी और आ जाएंगे तो फाइनली इतना ही आंसर आ जाएगा। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर करते हैं 29। 29 में देखो क्या दे रखा है एक आ गया 17.5 मीटर ऊंचे भवन एक ध्वज दंड की परछाई दे रखी 40.25 मीटर लंबी है। देखो 17.5 मीटर और अपॉन में कितना आ जाएगा परछाई देखो नीचे कार्य हुआ होगा तुम्हारे पास टोटल कार्य है तो कार्य कौन आता हमेशा नीचे आपको ही पता है तो कितना आ जाएगा 40.25 मीटर को मैं रख कर दे रहे हैं आपसे आगे दे रखा है आपसे आगे बोला गया इसी समय पर कितने ऊंचे भवन की परछाई इतने मीटर लंबी होगी परछाई इतने मीटर लंबी होगी देखते देखो आगे क्या दे रखा है इसमें आगे यू बोला गया इसी समय पर कितने ऊंचे भवन की परछाई मतलब इसका मतलब परछाई मतलब कार्य है तो कार्य कहां गया तुम्हारे पास नीचे 28.75 और ऊपर कितना आ जाएगा एक्स आ जाएगा तो इस पॉइंट से नहीं ये पॉइंट भी काट सकते हैं यहां से कैंसिल हो गया इस पॉइंट को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा एक जीरो और नीचे आ जाएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे यहां से काटते ही है आप कैलकुलेशन है इसमें तो काटते हैं देखो 25 से काट दो 25 चौको 100 कितने बचे 75 25 दिया 75 फिर काटते इसे 25 से 25 अट्ठे 200 होते हैं लेकिन आपको कितना करना है 25 अट्ठे जब 200 हो गया तो 16 बार चला जाएगा ये 16 बार तो कितना बचेगा यहाँ पे 400 हो जाएगा 25 और एक जीरो आ गया तो अब इसे काट देंगे 5 से काट दो 25 कितने बचे 5 3 8 5 7 35 दो बचे 25 और इसे भी काट देंगे 5 से 5 3 15 एक बचा 5 2 10 और 5 1 5 अब काटते हैं देखो 43
सामने 43 से काटेंगे, देखना कट रहा है, 3 से काटती तक का 9 7 चकू नहीं कटेगा, किससे कटेगा? अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पे 5 से काटते हैं पहले, देखो कुछ दिक्कत आ रहा, मतलब 5 से काटते हैं इसे, 5 से जब इसे काटेंगे तो 5 अट्ठे कितने हुए 40, तो यहाँ पे भाग टूटे की बिंदिया 25 और 0 आ गया, इसे 5 से काट देंगे, 5 × 3 = 15 कितने बचे 2 × 5 = 25, फिर 5 से काट देंगे 5 × 7 = 35, 5 × 5 कितने बचे 3, 5 × 6 = 30, 5 × 5 = 0 इतना आ गया। अब 7 से काट देंगे, 7 × 2 = 14 कितने बचे 2 × 7 = 21 तेईस आ गए नीचे, तो हमें अलग वैल्यू करके लिखा दे रहे इधर, तो 1/5 कितना बचा तुम्हारे पास 2 × 3 = 0 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी ऊपर 2875 = x, इसे सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। डिवाइड 5 से काटते हैं, 5 × 5 = 20 और 5 × 6 = 30, 5 × 25 कितने बचे 5 × 3, 5 × 7 = 35 कितने बचे 2 × 5 = 25, फिर काट देंगे 23 × 2 कितने होते 46। अब 46 को मैं ऐसे लिखे दे रहे 23 × 2, अब 23 से देखो मैं डिवाइड दे रहे इसमें पूरा पूरा एक बार, 23 × 2 कितने होते 46 और 23 × 3 कितने हो जाएंगे ज्यादा हो जाएंगे 23 × 2 = 46 यानी 46, अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा 11, मतलब 115, 23 × 5 कितने होते 115, तो आपका जो फाइनली कितना आ गया, तो बच्चों देख लेना कैलकुलेशन है थोड़ी सी तो करना ही पड़ेगा, 25 × 20 कितना आ गया, तो इसके डिवाइड दे देंगे तो 12 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 मीटर, आपका यही आंसर है बच्चों। तो थोड़ी कैलकुलेशन है, आप इसे देख लेना और कर भी सकते हो, कैलकुलेशन है तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता 25 से, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग काट लेना, आपको तरीका तो पता ही चल गया। करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, यदि 9 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कुछ उत्तर पुस्तिका को 12 दिनों में जांच सकते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर है 30 है, 30 में ये दे रखा है 9 परीक्षक कितने बोले गए, यानी 5 घंटे प्रतिदिन कुछ उत्तर पुस्तिका, मतलब कुछ मान लिया मैंने एक बना रही कुछ या एक या एक्स मान लिया, एक्स मान लो एक्स उत्तर पुस्तिकाओं को कितने दिन में 12 दिन में, आगे आपसे बोला गया इसी समय पर कितने सॉरी आगे बोला गया तो 4 परीक्षकों को इससे दोगुनी, मतलब पहले कितनी है सब कितने हुए 2x, इससे दोगुनी उत्तर पुस्तिका को 3 दिन में जांचने के लिए कितने घंटों की आवश्यकता होगी x की, सॉरी यहाँ पे y मान ले रहे क्योंकि x तो मान ही लिया, x से x कैंसिल, 2 × 2 कितने होते 4, 3 × 2 कितने हुए 6 और 6 × 2 कितने पूरे कट जाएंगे 12, ना अपना 45 × 45 कितने हो जाएंगे, सॉरी एक सेकेंड सवाल में सही लिखा है 9 × 5 = 12 बिल्कुल सही लिखा है, फिर आगे का 4 × 2 और सॉरी यहाँ पे कितने लिखे हैं 30, तो कितने हो जाएंगे इधर 3 × 2 कितने हुए 6 × 6 = 12, यहाँ पे कितने बचे 10 और 9 × 45 = 45 कितने हुए 90 इक्वल में दे रखे कितने 10y, 0 से 0 y बराबर कितना आ गया फाइनली 9 आ जाएगा आंसर, कैलकुलेशन है इन सवालों में कुछ नहीं है काटने के लिए, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 31 में कहा गया है यद 18 पंप 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 200
2170 टन, मतलब 18 देखो 18 और 7 घंटे। आगे आपसे बोला गया है कि कार्य करके, मतलब कितना कार्य करे, 2170, मतलब ये कार्य हमेशा आपको भी पता है नीचे रहता है, कार आपका आ गया नीचे आ गया, तो पानी कितने 10 दिन में निकालते हैं, टोटल 10 दिन दे रखे। आगे आपसे बोला गया है 16 पंप 9 घंटे प्रतिदिन कार करके, मतलब एक्स दिन एक्स दे रखे, और तुम्हारे पास फुल कितना 1736। अब इसे सॉल्व करना है और फाइनली आंसर आ जाएगा। देखो 0 से 0 कैंसिल, 7 से 7 21 और 7 एकम 7, तो इधर 4 से काट देंगे, 9 दूनी 18, 2 8 16, तो 8 से डिवाइड दे देंगे, देखते हैं 8 से कट जाएगा, 8 से कटना चाहिए वैसे तो, 8 दूनी 16 कितने बचे 13, 8 एकम 8 कितने बचे 5, 8 7 56 कितने आगे 217, तो 217 कम आ जाएंगे इधर, नहीं 217 अपॉन में कितने आगे इधर आते हैं, तो डिवाइड दे देंगे, क्या बार जाएगा 7 एकम 7 और 7 21, मतलब कुल मिला के 7 बार पूरा डिवाइड चला जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 7 दिन। तो क्वेश्चन नंबर करते हैं नेक्स्ट वाला।